नमस्कार N24x7 न्यूज में मैं सूरज सिंह आपका स्वागत करता हूं। अपने हालिया बयानों से BKU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत काफी चर्चा में हैं। उन्होंने पिछले दिनों में बयान दिया है कि 200 से अधिक संख्या में किसान संसद परिसर में धरना देंगे। राकेश टिकैत ने कहा है कि हमारी अगली रणनीति संसद घिराव की है, जिसमें कि प्रतिदिन हमारे 200 किसान, जी हाँ, लगभग 200 किसान संसद परिसर में किसान आंदोलन की मांगों को लेकर धरना देंगे। राकेश टिकैत ने सभी अटकलों को साफ करते हुए अपनी पूरी रणनीति बताई। उन्होंने कहा कि यह जो किसान संसद परिसर तक जाएंगे, इसके लिए उन्होंने सरकार से DTC बस की मांग भी की है। उन्होंने कहा है कि किसानों का कोई भी निजी वाहन वहां मौजूद नहीं होगा। टिकैत ने यह भी कहा है कि वहां पर होने वाली किसी भी घटना की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से संयुक्त किसान मोर्चा वहन करने के लिए तैयार है। हमें उम्मीद है तो सरकार से इस बात की कि सरकार जल्द ही हमें संसद घिराव की इजाजत दे। बहरहाल 26 जनवरी की जो घटना हुई, सरकार उसके बाद संसद के इतने करीब धरना देने की इजाजत देती है या नहीं, यह एक अटकलों से भरा प्रश्न है, जिसका जवाब समय के साथ शायद राकेश टिकैत और केंद्र सरकार के किसी मंत्री द्वारा बयान से स्पष्ट हो जाए। ऐसी तमाम बड़ी राजनीतिक जगत से जुड़ी हुई खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल N24x7 न्यूज़।